तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइब्रेरी क्लासेस नाम के एक चैप्टर को, जो कि आपके क्लास टेंथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां हम अलग अलग लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि ये लाइब्रेरी क्लासेस जो है ये कहाँ से आते हैं और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो लाइब्रेरी क्लासेस को अगर जानना है तो उसके पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो आप हमेशा सुनते भी हो और वो टर्म है JDK। आपने नाम सुना होगा डेफिनेटली, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ब्लूजे के हेल्प से तो ये वर्ड आपने डेफिनेटली सुना होगा, ये नाम आपने सुना होगा। इसमें J का मतलब होता है जावा और D का मतलब होता है डेवलपमेंट और K का मतलब होता है किट, यानी जावा डेवलपमेंट किट। लेकिन ये जावा डेवलपमेंट किट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या फिर ये जरूरी क्यों है हमारे प्रोग्रामिंग में, तो एक बात जान ले, बेसिकली JDK एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आपको इंटरनेट के हेल्प से ब्राउज करके खोजना होगा और उसे डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, तब जाकर के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने जावा के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, चाहे वो ब्लूजे हो, चाहे वो इंटेलिजी IDE हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो, जहाँ भी आपको अपना जावा का कोड को रन करना है उसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टम में JDK सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। ये एक ऐसा किट है, इट इज़ बेसिकली एक टूल किट, जैसे कि आपको घर में होता है, आपको स्क्रू खोलना है तो उसके लिए स्क्रू ड्राइवर है, आपको नट खोलना है तो उसके लिए रेंच होता है, तो अलग अलग आपके पास टूल्स होते हैं, वैसे ही जावा के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपके पास एक टूल किट है और इसको कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। इसके अंदर में क्या होता है, देखें ये जावा डेवलपमेंट किट है, ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में एक क्लास लाइब्रेरी होता है। ये बेसिकली क्या होता है, लाइब्रेरी का कलेक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं JCL। JDK के अंदर में होता है JCL। JCL मतलब क्या होता है, JCL का मतलब होता है जावा क्लास और L का मतलब होता है लाइब्रेरी, जावा क्लास लाइब्रेरी JCL। तो बेसिकली JDK जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस जिसे हम लोग कहते हैं JCL, यानी कि जावा लाइब्रेरी क्लास। अब ये JCL है, ये JCL बेसिकली क्या होता है, ये JCL जो है ये बेसिकली पैकेजेस के कलेक्शन होते हैं। ये जो होते हैं JCL के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस आपको मिलेंगे, आपने पैकेजेस के बारे में सुना होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था IO नाम का पैकेज है, UTIL नाम का पैकेज है, LANG नाम का पैकेज है, MATH नाम का पैकेज है, तो बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ये जो पैकेजेस हैं वो आपके ब्लूजे में अवेलेबल नहीं है। ब्लूजे इज बेसिकली ए प्लेटफॉर्म, इट्स ए एडिटर जहां आप कोड को टाइप करते हो, कंपाइल करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, बट कंपाइल करवाना, रन करवाना, ये सारा काम कौन करवाएगा, डेफिनेटली JDK करवाएगा। आपके सिस्टम में JDK के बगैर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, बिकॉज JDK इज अ कलेक्शन ऑफ जावा क्लास लाइब्रेरी एंड जावा क्लास लाइब्रेरी इज बेसिकली व्हाट, जावा क्लास लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पैकेजेस। ऐसा नहीं कि JDK के अंदर सिर्फ JCL होता है, JDK के अंदर में बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, बहुत सारे टूल्स और भी होते हैं जो आपके प्रोग्रामिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट उन सब कंपोनेंट में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है JCL, जो आपके प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर में सारे पैकेजेस रहते हैं। व्हाट इज पैकेजेस, तो पैकेज का मतलब होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। हमारे पास अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल हैं और सारे पैकेज के अंदर में अलग अलग क्लास अवेलेबल है। फॉर इंस्टांस मान लिया जाए कि आपके पास एक पैकेज है दैट इज IO, तो IO इज अ पैकेज, UTIL इज अ पैकेज, और ये जो पैकेजेस होते हैं ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर में होता क्या है, तो पैकेजेस के अंदर में बहुत सारे क्लासेस होती है, अलग अलग क्लासेस। IO के अंदर में अलग अलग क्लासेस होगा, इनपुट स्टिमुलेटर क्लास है, बफर्ड रीडर क्लास है ना, और भी बहुत सारे क्लास होंगे। UTIL पैकेज के अंदर में आपका स्कैनर क्लास है, ठीक है, प्रिंटर क्लास है, तो बहुत सारे अलग अलग क्लासेस होंगे डेफिनेटली। वैसे ही मैथ नाम का जो पैकेज है उसके अंदर मैथ नाम का क्लास है,
तो अलग अलग पैकेज, लैंग हो गया, लैंग पैकेज के अंदर में आपका एक क्लास है, सिस्टम नामक क्लास है, अलग अलग पैकेजेस के अंदर में अलग अलग क्लास है। बेसिकली पैकेजेस आर व्हाट, पैकेजेस आर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो ये पैकेज होते हैं इसके अंदर में जो अलग अलग क्लास हैं, पैकेजेस के अंदर में क्या होते हैं, पैकेजेस के अंदर में अलग अलग क्लासेस होते हैं। बेसिकली पैकेजेस आर व्हाट, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। पैकेजेस आर व्हाट, पैकेजेस आर कलेक्शन ऑफ क्लासेस। यानी अगर मेरे पास क्लास होगा तो क्लास और ऑब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा है इसके पहले के वीडियो में, आप अगर नहीं देखे हो देख लेना कि क्लास और ऑब्जेक्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है क्लास में क्या क्या होते हैं, क्लास के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। क्लास में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल, एक को बोलते हैं इंटरनल, राइट। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, क्लास का नाम और क्लास नाम का कीवर्ड। इंटरनल में क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर होता है और इंस्टांस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल और मेथड्स, कंस्ट्रक्टर सब होते हैं। तो एक क्लास के अंदर में डेफिनेटली क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, क्लास के अंदर में कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, डेफिनेट सी बात है, एकदम सही कहा आपने कि जो क्लासेस होंगे, पैकेजेस जो हैं उनके अंदर में क्लास हैं, और क्लासेस के अंदर में क्या होते हैं, क्लासेस के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लासेस के अंदर में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मैथड जो है इसे हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड मैथड्स या प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं, इन मेथड्स को हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड मेथड या प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ऑलराइट, तो प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जेडीके इज अ प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर। इसे तो आपने डेवलप नहीं किया, मैंने डेवलप नहीं किया, डेफिनेट से बात है जेडीके किसी ने डेवलप किया होगा जावा के एग्जीक्यूशन के लिए। तो जब जेडीके डेवलप किया गया होगा उसी में एक कंपोनेंट डाला गया होगा जावा क्लास लाइब्रेरी, और उसी जावा क्लास लाइब्रेरी के अंदर में पहले से डाल कर रखा गया है पैकेजेस, और उसी पैकेज के अंदर में अलग अलग क्लासेस हैं, और उसी क्लास के अंदर में अलग अलग फंक्शन है। ये सारे चीज़ें जो हैं आपने या मैंने नहीं क्रिएट किया है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड था। दैट मीन्स कि आपको बना बनाया मिल गया है, आपको पहले से डिफाइन करके दे दिया गया है जस्ट फॉर द यूज, आपके खुद के यूज के लिए। तो इसीलिए इन फंक्शंस को हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो पहले से क्रिएट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि आपके पास एक आयो नाम का पैकेज है, इसके पास कौन सा फंक्शन होगा, तो इसके पास हो सकता है कि सर नेक्स्ट इंट नाम का, अच्छा आयो पैकेज है, आयो पैकेज के अंदर में हो सकता है कि इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंटीजर डॉट पार्स इंट, फिर इसके तो उसका कन्वर्जन का टाइप। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें कि यूटिल के अंदर में एक कोई क्लास होगा और उस क्लास के पैकेज है, तो यूटिल के अंदर में कौन सा क्लास है, तो यूटिल के अंदर में क्लास है दैट इज नोन एज स्कैनर, स्कैनर नामक क्लास है यूटिल के अंदर में। और इस क्लास के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो उनमें से एक फंक्शन का नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज कर लो नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट इज अ फंक्शन, नेक्स्ट इंट इज अ फंक्शन ऑफ क्लास स्कैनर, और ये स्कैनर किसको बिलोंग करता है, यूटिल को। ये यूटिल क्या है, एक पैकेज है, ये पैकेज इसके अंदर में है जेसीएल के अंदर में है। जेसीएल क्या है, जावा क्लास लाइब्रेरी। ये किसके अंदर में है, जेडीके के अंदर में है। जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। बेसिकली आपको अगर इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो आपके सिस्टम में जेडीके होना जरूरी है, सिंपल हिसाब है। अदरवाइज ये फंक्शन आप कहां से यूज करोगे, बिना आपके सॉफ्टवेयर के ये फंक्शन आपके सिस्टम में नहीं आएगा, तो डेफिनेट से बात है ये आप यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया बात, ऑल राइट। सो ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन था जहां आपको समझ में आ रहा है कि जेडीके क्या है और ये जावा क्लास लाइब्रेरी क्या है। तो ये जो जावा क्लास लाइब्रेरी है, यहीं से ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है लाइब्रेरी क्लासेस का। यानी कि आपके पास अलग अलग क्लासेस के लाइब्रेरीज होंगे, मतलब बहुत सारा कलेक्शन ऑफ क्लास होगा, और उन क्लासेस के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, और उन्हीं फंक्शंस के बारे में आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो चुका है कि आपका इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस फॉर दिस चैप्टर, राइट। अब एक सवाल आता है कि आपको अगर अपने किसी भी पैकेज को यूज करना है, सपोज आपने जेडीके इंस्टॉल कर लिया, जेडीके का इंस्टॉल करने के बाद ऑब्वियस ये बात आपके सिस्टम में जेसीएल आ गया होगा, आपके सिस्टम में जेसीएल आ गया है तो पैकेजेस आ गए होंगे, पैकेजेस आ गए हैं तो क्लासेस भी आ गया होगा, क्लासेस आ गया होगा तो फंक्शंस भी आ चुके होंगे, डेफिनेट से बात है। बट अगर आपको अपने प्रोग्राम में इस जेडीके के कंपोनेंट्स को यूज करना है, यानी किसी पैकेज को यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
तो उसके लिए आपको सिंपल एक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, उस कीवर्ड को बोलते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पैकेज को हम लोग अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं, यानी कि अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करवाते हैं। क्यों इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है, क्या बिना इंप्लीमेंटेशन के हम इस पैकेज के क्लास को, इस पैकेज के फंक्शन को क्या यूज नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई, ये आउटसाइड है। आप जहां प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पर ये JDK तो नहीं है, वो JDK जो है वो आउटसाइड में है, डेफिनेट सब बात है, एक अलग सिस्टम है। तो उस अलग सिस्टम में से आपको अगर इस क्लास, इस फंक्शन को आपके सिस्टम में, यानी कि आपके प्रोग्रामिंग में इंपोर्ट करना है, यूज करना है, कॉल तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू यूज दैट काइंड ऑफ फंक्शन व्हिच इज नॉट इन द सिस्टम, राइट? सो इसीलिए क्या करना होगा हमको कि यहां पर हमें इसे यूज करने के लिए मुझे इस क्लास को यूज करना होगा, और इस क्लास को यूज करने के लिए मुझे इस पैकेज को यूज करना होगा। तो इस पैकेज को यूज करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इस पैकेज को यूज करने के लिए लिखते हैं इंपोर्ट, फिर जावा डॉट, फिर हम उस पैकेज का नाम लिखते हैं जिसे मुझे इंपोर्ट करना है। सपोज मुझे इंपोर्ट करना है यूटिल नाम का पैकेज, तो हम लिखेंगे यूटिल, फिर डॉट देंगे, फिर क्या करेंगे, उस क्लास का नाम जिसे आपको यूटिल के अंदर में प्रेजेंट है यूज करना है। वैसे तो यूटिल के अंदर में कई सारे क्लासेस होंगे, बट मुझे स्पेसिफिकली स्कैनर नाम का क्लास यूज करना है, ये मुझे पता है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर स्कैनर लिख देंगे। इससे क्या होने वाला है, इससे होने वाला है, इस लाइन का मतलब यह है कि आप इंपोर्ट कर रहे हो किसको, यूटिल नाम के पैकेज को। कहाँ पर है यूटिल नाम का पैकेज, जावा में है, जावा मतलब JDK या JCL, आपका JCL के अंदर में है, और JCL के अंदर में क्या है, यूटिल है, यूटिल के अंदर में क्या है, स्कैनर है, और स्कैनर के अंदर में जितने भी फंक्शंस होंगे सब आप यूज कर पाओगे इस लाइन लिखने के बाद। अगर आप इसको नहीं लिखते हो और सोच रहे हो कि अपने प्रोग्रामिंग में कोई क्लास का फंक्शन यूज करोगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल मैन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगर तुमको नहीं पता है कि कौन सा क्लास है इस पैकेज के अंदर में, किसे मुझे यूज करना है, तब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, तब हम लोग कर सकते हैं ऐसा, इम्पोर्ट जावा डॉट आयो डॉट एस्ट्रिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है लिस्ट ऑफ ऑल क्लासेस। आपके पास मान लीजिए पता नहीं है कि कितने सारे क्लासेस हैं इस पैकेज के अंदर में, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली आयो दैट इज द पैकेज नेम, उसके बाद आप एस्ट्रिक लगा दोगे। बिना किसी क्लास के नाम लिख करके आप एस्ट्रिक लगाते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। इस एस्ट्रिक का मतलब यह है कि आयो नाम के पैकेज के अंदर में जितने भी क्लासेस होंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगा आप उन सारे क्लासेस के यूज कर सकते हैं, और उन सारे क्लासेस के अंदर में जो फंक्शन है उनको आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि आप यूटिल के अंदर में सिर्फ स्कैनर को कॉल किए हो, दैट मीन्स कि सिर्फ स्कैनर का फंक्शन आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर पाओगे। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा यह है कि आप आयो नाम के पैकेज को कॉल किए हो और उसके अंदर में जितने भी क्लासेस होंगे आप सबको यूज कर सकते हो, और उन क्लासेस के अंदर में जितने फंक्शन होंगे सबको आप यूज कर सकते हो। ये डिफरेंस होता है एस्ट्रिक और इसके बीच में। आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मालूम होना चाहिए कि अलग अलग जो क्लासेस होते हैं उनके अंदर फंक्शंस तो होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ डेटा टाइप्स भी रहते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना कि अलग अलग जो क्लासेस हैं, यानी कि JDK के अंदर में तो बहुत सारे क्लास हैं, JCL है, JCL के अंदर में अलग अलग पैकेजेस हैं, पैकेजेस के अंदर में क्या है, अलग अलग क्लासेस हैं। तो अलग अलग क्लासेस के अंदर में क्या क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, राइट? आपको मैंने बताया फंक्शन होते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन ही होते हैं क्या, नहीं। क्लासेस के अंदर में फंक्शन के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और होता है, उसे हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। ये डेटा टाइप भी अलग अलग क्लासेस के अंदर में प्रेजेंट रहता है। कैसे करके ये हम समझते हैं कि भाई किसी क्लास के अंदर में फंक्शन है, ये तो समझ में आ रहा है सर, बट क्लास के अंदर में डेटा टाइप प्रेजेंट है, ये कैसे? मैं इसको समझाने के लिए आपको बताता हूं कि एक हमारे पास पैकेज है, और उस पैकेज का नाम पता है क्या, उस पैकेज का नाम है java.lang पैकेज। उस पैकेज का नाम क्या है, उस पैकेज का नाम है java.lang पैकेज, java.lang पैकेज, lang मतलब लैंग्वेज पैकेज, राइट? अब इस लैंग्वेज पैकेज के अंदर में कई सारे क्लासेस होंगे, डेफिनेट से बात है, एकदम होगा, लेकिन इस क्लास के, इस पैकेज के अंदर में जो क्लासेस हैं उनमें से कुछ ऐसे क्लास हैं जिन्हें हम कहते हैं रैपर क्लास, जिन्हें हम लोग कहते हैं रैपर क्लास। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में और डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि ये रैपर क्लास क्या है, और ये जो है लैंग पैकेज के अंदर प्रेजेंट है तो किस तरह से ये वर्क करता है, या हम लोग इसका यूज किए भी हैं या नहीं अभी तक, इसके बारे में अगले क्लास में देखने वाले हैं।
फिलहाल इतना जान लो कि किसी भी क्लास के अंदर में सिर्फ फंक्शंस नहीं होते हैं, फंक्शन के अलावा डेटा टाइप भी प्रेजेंट होते हैं। आपने शुरू शुरू में जब हमने क्लासेस करवाना स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू समझाया था कि आपके पास डेटा टाइप जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरे को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव या कंपोजिट या रेफरेंस डेटा टाइप, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप? प्रिमिटिव का मतलब होता है एक होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव या इसे कहा जाता है कॉम्पोजिट या इसे कहा जाता है रेफरेंस, राइट। सो फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप? प्रिमिटिव का मतलब होता है वैसे डेटा टाइप जो कि ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं सिस्टम में, सिस्टम डेवलपर के द्वारा आपको डेवलप करके डिफाइन करके दे दिया गया है, वैसे डेटा टाइप को कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी कि इसका एक और नाम होना चाहिए बिल्ट इन डेटा टाइप, राइट, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसे आप डिफाइन नहीं करते हो, या इसे हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट टाइप के डेटा टाइप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंटीजर, आपने पढ़ा होगा फ्लोट, आपने पढ़ा होगा लॉन्ग, आपने पढ़ा होगा शॉर्ट, आपने पढ़ा होगा बाइट, ये सारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं ये सब के सब क्या हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। यानी कि ये किसी भी दूसरे डेटा टाइप पर डिपेंड नहीं करते हैं, या सिंपल समझो ऐसे कि इन डेटा टाइप्स को सिस्टम डेवलपर के द्वारा ऑलरेडी डेवलप करके डिफाइन करके तुम्हें दे दिया गया है तुम्हारे प्रोग्रामिंग में इसको यूज करने के लिए, राइट। बट जब बात आता है नॉन प्रिमिटिव या कंपोजिट या रेफरेंस डेटा टाइप का, तो ये वैसे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग डिपेंडेंट डेटा टाइप भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, आप जब मान लीजिए क्लास, आपका क्लास जो है, आप क्लास लिखते हो और फिर क्लास का नाम सपोज देते हो डेमो, सो यहां पर जो आप लिखे हो इट इज अ वेरिएबल, और इस वेरिएबल का ये क्या है, ये इस वेरिएबल का डेटा टाइप है। आप जब किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो क्या लिखते हो, इंटीजर एन लिखते हो ना, तो एन का मतलब क्या है, वेरिएबल, उसके आगे में लिखा हुआ क्या है, डेटा टाइप। तो यहाँ पर जो डेमो है वो क्या है, वेरिएबल, उसके आगे में लिखा हुआ क्या है, क्लास। क्लास इज ए व्हाट, डेटा टाइप, किसका, डेमो नाम के वेरिएबल का। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लास जो है वो भी एक डेटा टाइप की तरह काम कर रहा है, बट दिस क्लास इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट इज अ नॉन प्रिमिटिव कंपोजिट या रेफरेंस डेटा टाइप, या इसे कभी कभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं, क्योंकि आपने खुद इसको डिफाइन किया, आपने एक वेरिएबल बनाया डेमो नाम का और इसका आगे में लिख दिया क्लास। हम नॉर्मली जब वेरिएबल लिखते हैं तो उसके आगे में जो भी लिखा जाता है वो क्या होता है, वो उसका डेटा टाइप ही तो होता है। यहाँ आपने डेमो लिखा है, उसके आगे में क्लास, क्लास का क्या यहाँ पर क्या काम कर रहा है, क्लास इज बिहेविंग लाइक अ डेटा टाइप, बट इट इज नॉट अ प्रिमिटिव वन, इट इज अ कंपोजिट वन। इसीलिए क्लास को कभी कभी हम लोग कंपोजिट डेटा टाइप भी कहते हैं, या क्लास को कभी कभी हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी क्लास के अंदर में डेटा टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो डेटा टाइप प्रेजेंट होता है वो बेसिकली कैसे होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। ऑलराइट, तो इस प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को देखने के बाद हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको कि बहुत सारे ऐसे भी क्लासेस हैं जो कि अपने अंदर में डेटा टाइप को कंसिस्ट करता है, जैसे कि java.lang पैकेज के अंदर में एक क्लास है दैट इज नोन एज रैपर क्लास, और उस रैपर क्लास के अंदर में कौन कौन से क्लासेस हैं और उन क्लासेस के अंदर में कौन कौन से डेटा टाइप्स प्रेजेंट हैं, इन सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, और एक बात कि वो सारे रैपर क्लास जो होंगे उनके अंदर में डेटा टाइप्स तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ कुछ फंक्शंस भी होंगे जिनके ऊपर हम लोग बहुत सारा अलग अलग टॉपिक को समझने वाले होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बातें होंगी अगले क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द आपके साथ कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।